गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर EVS क्लास। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था माय हाउस और हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाउस के बारे में जानकारी ली थी। कुछ हाउस कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं और कच्चे और पक्का हाउस के अलावा भी कई तरह के अलग अलग हाउसेस होते हैं, जैसे टेंट्स, कारवान, हाउस बोट, स्टिल्ट हाउस एंड इग्लूस। तो ये सब आपके हाउसेस हैं, डिफरेंट टाइप के हाउसेस हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अ गुड हाउस, यानी एक अच्छा घर। एक अच्छा घर किसे कह सकते हैं, इसके बारे में हम लर्न करेंगे। मैनी थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ हाउस कंफर्टेबल, सेफ एंड अ स्प्लेंडिड प्लेस टू लिव इन। यानी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती है जिसको बनाने के लिए हाउस की ज़रूरत होती है और जिससे हाउस में होना बहुत ज़रूरी है और जिससे कंफर्टेबल भी रहता है हाउस, सेफ भी रहता है और हम आराम से उसमें रह सकते हैं, आराम से चैन के आराम से रह सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो एक कॉमन हाउस में होना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी इनफ विंडोज एंड वेंटिलेटर्स इन अ हाउस। यानी हाउस को कंफर्टेबल और सेफ और अच्छा होने के लिए एक तो घर में विंडोज़ होना और वेंटिलेटर्स होना, यानी खिड़कियां और वेंटिलेटर होना बहुत आवश्यक है जिससे एकदम अच्छी हवा, शुद्ध हवा आ सके। सेकेंड पॉइंट है देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक अ वरांडा एंड अ कोर्टयार्ड। यानी एक घर में थोड़ी ओपन स्पेस भी होना चाहिए, एकदम बंद बंद घर नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस हो, ओपन स्पेस हो तो हम थोड़ा घूम सकें, बैठ सकें। एक तो बरामदा होना चाहिए या फिर एक खुला आंगन होना चाहिए या बालकोनी वगैरह ऐसे होनी चाहिए। थर्ड है देयर शुड बी इनफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी घर के अंदर पानी की और बिजली की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे से पानी भी आता हो और बिजली भी सब जगह, लाइट की भी पूरी व्यवस्था हो। देयर शुड बी सेपरेट रूम्स फॉर वेरियस पर्पस। यानी कुछ सेपरेट रूम भी होना चाहिए, जैसे कुछ वेरियस पर्पस, यानी कोई फंक्शन वगैरह हो तो उसके लिए कुछ अलग से भी रूम होने चाहिए। अब रूम्स इन ए हाउस, यानी एक घर में कौन कौन से रूम होते हैं, कौन कौन से स्पेस होती है। सबसे पहला है लिविंग रूम। अ हाउस शुड हैव अ लिविंग रूम वेयर वी कैन मेक अवर गेस्ट्स सिट। वी सी मैनी थिंग्स इन अवर लिविंग इन अ लिविंग रूम। लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम होता है, जहाँ पे हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको हम लोग बैठाते हैं, तो उसको लिविंग रूम भी कहते हैं और ड्राइंग रूम भी कहते हैं, जहाँ पर गेस्ट भी बैठते हैं। इस लिविंग रूम में बहुत सारी थिंग्स होती है। अब कौन कौन सी थिंग है, तो ये क्वेश्चन आया है आपके यहाँ पर, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन अ लिविंग रूम। यानी आप एक लिस्ट बनाइए जहाँ पर लिविंग रूम में आपको क्या क्या थिंग्स दिख रही है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ लिखा है मैंने सोफ़ा, टेबल, फैन, टीवी, फ्लावर पॉट, पेंटिंग, न्यूज़पेपर और डोरमेट, कर्टेंस, ऐसी और भी कुछ थिंग्स हो, जैसे कि टॉयज़, मैनी टॉयज़ भी हो सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स भी हम वहाँ पर रख सकते हैं, तो ये सब लिविंग रूम में होते हैं। नेक्स्ट आता है बेडरूम। दिस इज़ ए रूम वेयर वी स्लीप। इन अ बेडरूम वी सी मैनी थिंग्स लाइक अ बेड विद पिलोज, बेड सेपरेट, अ बेड साइड टेबल, क्विल्ट, ब्लैंकेट, ड्रेसिंग टेबल। सम चिल्ड्रन कीप स्टफ्ड टॉयज इन देयर
बेडरूम्स, बेडरूम वो जगह है जहाँ पर हम लोग सोते हैं। और बेडरूम में क्या क्या हो सकता है, बेड, पिलो कवर, बेड शीट, एक से पास में स्टूल होती है, लैंप, ब्लैंकेट, रजाई, ये सब चीज़ें इसमें होती है बेडरूम के अंदर। और कुछ बच्चे होते हैं वो अपने जो टॉयज़ होते हैं वो भी बेडरूम में ड्रॉअर में वगैरह अलमारियों में रखते हैं। तो ये थिंग्स है बेडरूम की। वापस यहाँ पे यही क्वेश्चन आया है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव इन योर बेडरूम। तो आपके बेडरूम में और क्या क्या सामान है, जो भी थिंग्स है उनकी आप यहाँ लिस्ट बना सकते हैं, जैसे बेड, बेड शीट, क्विल्ट, ब्लैंकेट, पिलो, ये सब यहाँ पर लिखना है। थर्ड आता है किचन, आवर मदर्स कुक्स फूड इन द किचन। अ किचन हैज़ सेल्स वेयर जार्स, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी एक्सेट्रा आर केप्ट। किचन में क्या क्या सामान होगा, किचन में हमारी मम्मी खाना बनाती है, किचन में ही बहुत सारे सेल होती है, अलमारियाँ होती है जहाँ पर हम लोग बर्तन रखते हैं, जार रख सकते हैं, डब्बे रखते हैं, क्रॉकरी रखते हैं, कप प्लेट वगैरह सब यहाँ पर रखते हैं किचन के ही अंदर। वी कीप स्पाइसेस, बिस्किट्स, पल्सेस एंड मैनी अदर थिंग्स इन द जार्स। यानी हम जो सामान होता है हमारा घरेलू सामान होता है, बिस्किट है, मसाले हैं, दालें हैं, और भी बहुत सारी जो थिंग्स होती है वो हम छोटे छोटे डब्बों में रखते हैं। आपकी मम्मी भी रखती होगी किचन में, आपने देखा ही है। तो ये सब चीज़ें हमको किचन में देखने के लिए मिलती है, ये जार्स के अंदर एयर टाइट डिब्बे के अंदर हम रखते हैं। मदर कुक्स फूड ऑन अ गैस स्टोव, शी ऑलवेज पुट द गैस सिलेंडर ऑफ आफ्टर कुकिंग। जो मम्मी है वो रोज़ खाना बनाती है गैस के ऊपर, गैस स्टोव के ऊपर, और जब खाना बन जाता है तो सिलेंडर का जो होता है स्विच वो बंद कर दिया जाता है ताकि कोई आग वगैरह नहीं लगे, इसलिए खाना बनाने के बाद हमेशा सिलेंडर ऑफ कर दिया जाता है। राइट और सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड इन द किचन, यानी किचन में एक जो सेफ्टी रूल होता है, कौन सा सुरक्षा के लिए हमें रूल रोज़ अपनाना चाहिए, वो यहाँ लिखा है। पुट द गैस सिलेंडर ऑफ आफ्टर कुकिंग, बस यही मेन है कि सिलेंडर, गैस सिलेंडर को हमेशा ऑफ कर देना चाहिए खाना बनने के बाद में। नेक्स्ट है बाथरूम, दिस इज अ प्लेस वेयर वी टेक बाथ। अ बाथरूम शुड बी क्लीन एंड एयरी, इट शुड हैव इनफ सनलाइट टू कीप इट ड्राई। यानी बाथरूम वहाँ वो स्थान है जहाँ पर हम नहाते हैं, और बाथरूम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और एकदम हवादार होना चाहिए, और बाथरूम में हमेशा सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए ताकि वो हमेशा सूखा रहे, नहीं तो रोज अगर गीला गीला सा रहेगा, बंद बंद रहेगा, तो उसमें अलग अलग स्मेल आ सकती है और कीटाणु भी फैलते हैं। तो ये आपके हो गए मैनी रूम्स इन अवर हाउस, यानी लिविंग रूम, बेडरूम, किचन एंड बाथरूम। अब मेक अ लिस्ट, वापस वही सेम रिपीट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन द बाथरूम। अब बाथरूम में आप क्या क्या थिंग्स देखते हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है, उनका यहाँ पर एक नाम लिखना है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, यानी महत्वपूर्ण बिंदु, लॉन्ग एगो मैन लिव्ड इन केव्स, यानी बहुत साल पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था। वी लिव इन आवर हाउसेस विद आवर फैमिलीज, हम हमारे घर में हमारे परिवार के साथ में ही रहते हैं। आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, हमारा घर हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है। अ गुड हाउस शुड बी कम्फर्टेबल, सेफ एंड अ स्प्लेंडिड प्लेस टू लिव इन, यानी एक अच्छा घर हो जो कंफर्टेबल हो, एकदम आरामदायक हो, सेफ हो, सुरक्षा की पूरी वहाँ पर व्यवस्था हो, और वहाँ पे हम लोग अच्छे से अपना समय
व्यतीत करें, वहाँ पे रहने में हमें बहुत आनंद आए, वो अच्छा घर कहलाता है। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, यानी हमें हमारे घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, चाहे कोई भी रूम हो, बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, किचन, इन सब भी जो हमारा पूरा घर है उसको हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। साफ सुथरा रहेगा तो हमें वहाँ रहने का भी मन करेगा, और अगर कचरा करेंगे तो वो गंदा लगेगा हमारा घर, कोई भी आएंगे तो ये कहेंगे कितना गंदा घर रखते हैं ये। इसलिए हमें हमेशा वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आपके जो क्वेश्चन आंसर है आपको मैंने पिछले क्लास में दिए थे, ये आपने कर लिए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।